दो माताओं, माँ और बेटे का यही प्रेम होता है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, बेटों से प्रार्थना कर रहा हूं, बस ये माँ का जो प्रेम है इसको आप किसी भी कारण तोड़ना मत। हे मेरे भाइयों, माँ के हृदय में जो पुत्र के प्रति प्रेम होता है, मैं क्या ही सुनाऊं। कभी कभी घटना संसार की सुनता हूँ, हृदय कांप जाता है, कलेजा कांप जाता है। मैंने ये घटना इसी उत्तर प्रदेश के नोएडा की सुनी थी। मैंने सोचा ये भी कभी हो सकता है। एक विधवा माँ थी, रहती थी अपने बच्चों के साथ। न जाने क्या अनबन हुआ, खटपट हुआ, क्या मजबूरी, ये तो मुझे खबर नहीं है। लेकिन कुल मिला के माँ को अकेले छोड़ के बेटे और बहू दूसरे प्रदेश में चले गए। माँ के लिए व्यवस्था तो बना दिए, नौकर आदि रख दिए, लेकिन माँ नौकर नहीं चाहती। माँ तो जब तक उसके शरीर में दम होता है, यहां तक मैं कहूं अतिशयोक्ति नहीं होगी, दम हो ना हो, जब तक उसके शरीर में प्राण रहता है तब तक वो अपने बेटों की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। और ये धरती पे कोई और नहीं कर सकता, ये माँ कर सकती है। बंधुओं, माता तब तक करना चाहती है, क्यों ना उसके हाथ कांप रहे हो फिर भी चाहती अपने हाथ से रोटी पका के अपने बाबू को खिला। क्यों ना वो दुखी हो, बीमार हो, बिस्तर पे हो, एक बार चाहती है कि अपने लाल जी को अपने हाथों से मैं निवाला पवा दूं। ये माँ जैसा दिल संसार में नहीं हो सकता है। हम किसी कारण से यदि माँ की उपेक्षा कर देते हैं, बंधु माताओं कारणों की व्याख्या नहीं करूंगा, समय भी लगेगा, अटपटा भी लगेगा। वो माँ कई दिन हो गया बेटा आया नहीं, यही कह के गया था माँ जल्दी आऊंगा। माँ फोन करती है, फोन उठता है, हेलो बेटा, माँ जरूरी मीटिंग में हूँ, शाम को फोन करूँ। सुबह से शाम इसी प्रतीक्षा में फोन लेके बैठी रहती वो माँ कि मेरा बेटा शाम को मुझसे बात करेगा, बहुत दिन हो गए उसको देख ही नहीं, कम से कम बात ही कर लो। शाम को मिलाती है बेटा, माँ अभी बिजी हो, अभी ऑफिस में, निराश होके रोने लगती है, आज भी बात नहीं हुई। फिर हिम्मत जुटा के 4-6 दिन बाद बेटे को फोन कर दिए, हेलो बेटा, माँ मैं अभी जरूरी काम से ऑफिस में हूँ, खाली पाऊंगा तो। महीनों बीत गए इसी आशा में, माँ कमजोर होती गई, माँ बीमार होती गई। एक दिन फोन उठा के पहले ही बोल दी, बेटा फोन काटना नहीं, सुन लो, मुझे भी मत बुलाओ, कोई बात नहीं, तुम भी मत आओ हमेशा के लिए, बस एक बार चाहती हूँ तुम आ जाओ, तुमको अपनी आंखों से देख ले ठीक प्रकार से। हाँ माँ ठीक है, समय मिलेगा तो आएंगे। और बंधु माताओं, बेटे के विरह में तपते तपते जलते जलते एक दिन ऐसा आया कि माँ इस संसार में नहीं रही, बेटे के वियोग में प्राण छोड़ दी। और इतना ही नहीं हुआ, हुआ ये, दरवाजा बंद था, कई दिन तक खबर नहीं, बदबू आने लगी लाश से, दरवाजा तोड़ा गया, माँ के शव को लोगों ने देखा, आस पड़ोस के लोग कांप गए, बेटे को बुलाया गया, तेरी माँ नहीं रही। अब आ रहा है आंसू बहारा, क्यों बहाते हो ये घड़ियाली आंसू, बुला रही थी माँ तो आए नहीं, कह रही थी एक बार तुमको देख ले, आए नहीं। बंधु बताओ, बेटा आज बहुत रो रहा है, उसको आज ये पता चल पाया मेरी माँ मुझसे इतना प्रेम करती है, मैं सबके कहने से अपनी माँ को छोड़ दिया। बंधु बताओ, क्योंकि वो अपनी मरी हुई माँ के हाथ में
दो ही वस्तु देखा, एक दवाई के पत्ते, दूसरा अपनी फोटो, अर्थात माँ अपने बेटे की फोटो को ही चूमते चूमते अपने प्राण छोड़ दी। बंधु माता, माँ का ऐसा प्रेम होता है आज, इसलिए मन में कुछ नहीं चाहिए माँ बाप दोनों को, आपका यश रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए तो केवल आपका प्रेम और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके दो मीठे शब्द, हम वो भी नहीं बोल पाते जो माता पिता आपको पालने पोसने में अपने पूरे जीवन की कमाई जीवन की परिश्रम को लगा दिए, दो प्रेम भी। कई बार हम लोग अपने माँ पिता को कठोर शब्द, चुप रहो माँ तुमको नहीं पता, हाँ हाँ अब तो सब तुमको ही पता है, उंगली पकड़ कर जिसने चलना सिखा दिया, जब तुम ककारा भी नहीं जानते थे जिसने तुमको अक्षर ज्ञान करा दिया, आज उसी माँ को हम कहते हैं चार अक्षर पढ़ लेते हैं कि तुमको कुछ आता नहीं तुम चुप रहो, लानत है ऐसे पुत्रों पर बंधु माताओं, लानत है। तुम्हारी सारी डिग्रियां कौड़ी के दाम हो जाती हैं जिस दिन तुम अपनी डिग्री और अपने पैसे के अहंकार में अपने माता पिता को अपने कठोर शब्दों से रुला देते हो। बंधु माताओं, आपकी डिग्री कागज के टुकड़े के समान होती है, आपके पैसे कागज के टुकड़े के समान हो जाते हैं। आज यशोदा माँ भगवान को तैयार कर रही है, अब लाल जी को कब पहना पाऊंगे पीताम्बर, कब पहना पाऊंगे, और लाल जी को तैयार किया है।